कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा ने मध्य प्रदेश बीजेपी पर तंज कसा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने मंगलवार को एक ट्वीट पर लिखा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी तीन खेमों में बट गई है, पहला महाराज, दूसरा नाराज और तीसरा शिवराज। शत्रुघ्न सिन्हा के इस सियासी तंज के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि कई बीजेपी नेता नाराज हैं। इन बीजेपी नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कोटे से दर्जन भर लोगों को मंत्री बनाए जाने की वजह से कुछ बीजेपी नेताओं की दावेदारी धरी की धरी रह गई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे को लेकर अभी तक सीएम शिवराज सिंह चौहान कोई फैसला नहीं कर पाए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जोर तोर से शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बीजेपी की सरकार तो बन गई और मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया है, लेकिन 5 दिन के बाद भी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है। ऐसा बताया जा रहा है कि कमलनाथ सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के पास स्वास्थ्य, राजस्व, महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा, परिवहन, श्रम और खाद्य विभाग थे और सिंधिया ये विभाग अपने समर्थकों को दिलाने की जुगत में है। न्यूज डेस्क।